तेल की जरूरत हमें है, तेल हम लेंगे थोड़े से थोड़ा। हाँ काय को लेंगे? हम लेंगे लाई को। लाई को हुआ हम पर मोफट्टा को हुआ। मोफट्टा को तेल भैया कैसे होते है? आए मोफट्टा को ना, मोफट्टा को तेल ना देखो भैया हमने ना। आए मोफट्टा को सिमुनेरा बारी देखो है। मरे तू बताओ ऐसे लगाए राठियों? अरे मोफट्टा बात तिली होते तिली। अच्छा तिली भर जाते बत्र की आते बीच में से। अच्छा हम तो मोफट्टा को चलो कोई बात ना ठीक के तो ले लेंगे आज दो चार से ले लेंगे घिटोल। आए 30 रुपया भीतर। आए भीतर? हाँ लीटर। अच्छा 30 रुपया लीटर। हाँ। कोई बात ना थक गए हैं चांद पर भजन धरे धरे। हाँ। तेल बढ़िया है। ले जाया से तेल ले जा तेल यहाँ से बहुत पिटेगा। तुझे मालूम होना चाहिए हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और तूने मेरा रास्ता खराब कर दिया। नहीं ले हुए सब। अरे निकल जाए यहाँ से महाराज। ये शक्ति का है इकली हिरनी दूजा शार भैंस रहता मिलेगा तीन कोश पर मिल जा तेली समझो मौत शीश पर डोली। प्रिय रानी मंजावती आप डोली में बैठ जाइए चलो मैं फौज के लिए बढ़ा रहा हूं। फौज भर रहा सब रोक दिया है।
और यहाँ से अच्छी जगह नहीं मिलेगी। ठीक है महाराज, बावनगढ़ के राजा आएंगे, बहुत भीड़ भाड़ होगी। भैया एक बार जैसा उल्टा सीधा है परम सही हो रहा है, बोले साचे दरबार की जय। आप डेरों में बैठिए, मेहरबानो आज राजा प्रथम ने अपनी फौज भर्रा को रोक दिया, जनाना डेरा लगवा दिया, पतिव्रता रानी मंजा के लिए डेरों में स्थान ग्रहण करवा दिया, और गुरु गंगाधर ने से पूछा, उन्होंने बता दिया रात्रि के 4 बजे सबसे पहले राजा और रानी गांठे जोड़ करके गंगा के स्नान करोगे, काया तुम्हारी ये सुवर्ण हो जाएगी। प्रिय रानी मंजावती, समय आ चुका है नौकर को बुला करके और मेला में मुनादी बजवा दे, सबसे पहले मंजा। ठीक है महाराज, मंत्री बुलाओ। अरे यहाँ कोई मंत्री नहीं है, वरी मिलना भाई ओ मेरे राम, अरे मिलने भाई ए, मेरे राम, और गंगा पे हर से मिलने भाई ओ। से और 10 रुपए का पुरस्कार कालीचरण और 10 रुपए का पुरस्कार गुड्डू भैया जी त्रिगुनिया की तरफ से। ये मेला कमेटी पुरस्कार की बहुत बहुत धन्यवाद। सही भैया, ऐसे सहयोग करते रहो धीरे धीरे। ठीक है प्रिय रानी मंजावती, अभी नौकर के लिए भी भेज करके ठीक है, मनादी पिटवाओ और मनादी पिटवा देंगे। मेहरबानो भाइयों, आज महाराज प्रथम है मंत्री के लिए बुला करके और गंगा पर मनादी पिटवाएंगे। पहले राजा प्रथम बा मंजावती नहाएगी, उसके बाद में जो भी कोई नहाएगा वो सजाए की मौत पाएगा। अरे यहाँ कोई मंत्री नहीं है। 10 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सतपाल बरेली की तरफ से और 10 रुपए का पुरस्कार गंगाधर भैया जी पलातपुर के रहने वाले, ये महाराज जी के चरण में दान किए, एक बार प्रेम के साथ जयकार लगाएंगे। बोलो शिष्ट बाबा की जय। अरे मंत्री बात सुनो जरा। कहिए महाराज के लिए, खुश रहो। कहो आप
मिनादी ले जाओ घर की और गंगा पे जाकर के मिनादी बजाओगे मेला में। ये कहोगे पहले राजा प्रथम बा मंजावती नाएगी, जो कोई पहले नाएगा वो सजाए की मौत पाएगा। जैसे क्या मारा आप जाइए बोलो श्री गंगा जी की जय। हाँ सर्वप्रथम क्या कहोगे? जो आपने हुक्म दिया है वही कहेंगे। ठीक है सर्वप्रथम श्री धारा जी में राजा प्रथम और रानी मंजा स्नान करेंगी। उनसे पहले यदि कोई स्नान करेगा वो सजाए मौत पाएगा। हाँ मेहरबानो इतने कंपल का रहने वाला फूल सिंह पंजाबी वो भी मेला पर तैयार है। आज नौकर को भेज के मनादी पिटवाएगा और कहेगा आ जाओ जाकर गंगा पे कह दो राजा फूल सिंह बा बेटी सरस्वती नहाएगी, इससे पहले जो नहाएगा वो सजा की मौत पाएगा। शेर सिंह हमारी शक्ति वाला ये कहता है मनादी वाला जो सर्वप्रथम श्री महाराज प्रथम और रानी मंजा श्री धारा में गंगा स्नान करेंगे, इससे पहले अन्य कोई राजा गंगा स्नान करेगा वो सजाए मौत पाएगा। ये महाराज की शेर सिंह जाइए मनादी पीटो जाके श्री धारा पे। कैसी मुनादी? मुनादी ये पीटो कहोगे जाके फूल सिंह पंजाबी और बा बेटी सरवती सबसे पहले गंगा नहाएगी, इससे पहले नहाएगा जो वो सजा की मौत पाएगा। अच्छा सुनो 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 श्री धारा पे सुनने वालों सबसे पहले पंजाबी बा बेटी सरवती गंगा जी पे धनाएगी। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? आप क्या कह रहे हैं? साले नहाएगी कि धनाएगी? अच्छा गड़बड़ हो गई कुछ? बहुत पिटाई लगाऊंगा। सुनो सुनो भाई सुनो श्री धारा पे गंगा नहाने वालों सबसे पहले बेटी सरस्वती बाप फूल सिंह गंगा नहाएंगे, इससे पहले कोई भी नहाएगा वो शेर कंपिल की सजा की मौत पाएगा। हाँ इसी तरीका से कहो हमारी शिष्य वाला और ये कहता है मनादी वाला सर्वप्रथम श्री महाराज प्रथम और रानी मंजा गंगा स्नान करेगी, इससे पहले अन्य कोई गंगा स्नान करेगा वो सजाए मौत पाएगा। शट अप अबे अबे उल्लू के बट्टी अबे नालाक के लट्ठे तू किसकी मनादी पीट रहा है? किसकी पीट रहा है? महाराज की। मैं भी महाराज की। तो तू अपने महाराज के हुक्म का पालन कर, मैं अपने महाराज के हुक्म का पालन करूं। मेरे महाराज का हुक्म चलता है तेरे को मालूम होना चाहिए। अच्छा बता यहाँ कौन सा देश है? कौन सा देश है? यह है पंजाबगढ़। हम जानते हैं यह है पंजाबगढ़, यहाँ पंजाबी का राज चलता है, यहाँ दूसरे का राज नहीं चलता है। अबे ऐसा कुछ नहीं, सर्वप्रथम गंगा स्नान महाराज प्रथम करेंगे, उससे पहले अन्य कोई गंगा स्नान करेगा वो सजाए मौत पाएगा। अरे यार एक बात बता, तू भी नौकर है? हाँ है? और क्या? हम भी नौकर है। हाँ ये तो सत्य है। आपस क्यों झगड़ा करेंगे? नौकर नौकर झगड़ा क्यों करेंगे? तो अपने महाराज से जाके कह दो, मैं अपने महाराज से कहूंगा। मैं अपने महाराज की बजा रहा हूँ और तू अपने महाराज की बजा रहा है बस। लेकिन एक बात है यार। हाँ कहो। एक बात बताओ। हाँ बताइए। तुमने यार कभी कुश्ती लड़ी है? कुश्ती? हाँ कुश्ती हमने भी नहीं लड़ी, हम झगड़ा करते ही नहीं। झगड़ा नहीं करते हो? नहीं। अरे झगड़ा कभी हो जाए तो? अरे होगा ही क्यों, हम झगड़ा ही नहीं करेंगे तो। जैसे कभी झगड़ा हो भी जाता है अक्षमात कहीं झगड़ा हो जाए हाँ। तो तुम कैसे पार जाओ? अरे झगड़ा ही नहीं करेंगे तो हम
पार कैसे जाएंगे? झगड़ा नहीं यार, मेरी बात समझ लो। हाँ। देखो अगर तुम्हें झगड़ा करना है किसी से तो पहले हम पेज सीख लो। कौन सा पेज? हाँ, हम बहुत बढ़िया पेज जानते हैं। कौन सा पेज जानते?